नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक सर के कमेंट के ऊपर होने वाला है। एक सर ने कमेंट हमारे चैनल पर किया है, उन्होंने 2000 रुपये की SIP ऑलरेडी अभी स्टार्ट की है, मतलब रिसेंटली ही, और 1000 रुपये महीना की SIP वो और स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका पोर्टफोलियो देखेंगे, किस तरह से उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊँगा बिल्कुल सिंपल भाषा में, और आपके मन में भी कोई डाउट चल रहा हो किसी तरह का, बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलिए, सर का कमेंट पहले पढ़कर आपको सुनाता हूँ। इनका नाम आशीष कुमार है, 2 बच्चे हैं इनके, इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं। 1 SIP उन्होंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप में ली है और 1 SIP SBI स्मॉल कैप में ली है, और 1000 रुपये का ये आगे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सजेशन पूछा इन्होंने कौन से फंड में करना चाहिए। चलिए सर, पहले आपका पोर्टफोलियो देखते हैं किस किस तरह से आपने बनाया है। सबसे पहले सर का स्वागत भी करते हैं अपने चैनल पर, सभी व्यूवर्स की तरफ से सर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिए, आपका जो SIP का अमाउंट है वो टोटल अभी 2000 रुपये महीना है, बाकी आप 1000 रुपये और इसमें आगे ऐड करेंगे। आपने दो जगह इनको बांट दिया है, 1000 पर मंथ यहाँ आपने रखा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, और 1000 रुपये महीना में आपने रखा है दूसरा फंड, वो फंड आपने रखा है SBI स्मॉल कैप। ये कुछ सर ने पोर्टफोलियो अभी बना है। 1000 रुपये की SIP और ऐड करनी है, उसके बारे में समझेंगे कौन सी ऐड करनी चाहिए। पहले इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, दोनों फंड्स अपनी कैटेगरी में बहुत बढ़िया हैं। लार्ज कैप फंड्स में मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में जाता है। SBI स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी में मिनिमम 65% पैसा उन कंपनी के स्टॉक्स में जाता है जो रैंकिंग वाइज 251 से 500 तक आती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। दोनों कैटेगरी अलग है, ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है। अब समझते हैं कि यहाँ पोर्टफोलियो को बैलेंस किस तरह से किया जाएगा, और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले आते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स पर, रिटर्न्स की बात मैं करूंगा। आज पोर्टफोलियो बैलेंस करने की बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा जा रहा है या लार्ज कैप ज़्यादा जा रहा है, उसको बैलेंस करने की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स पर। चलिए सीधा होल्डिंग्स देखेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, होल्डिंग्स देखते हैं। अब होल्डिंग्स में क्या होता है दोस्तों, हमारा पैसा 3 जगह डाइवर्सीफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 जगह डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। लार्ज कैप में एलोकेशन की बात करूं निपॉन इंडिया में, तो यहां लार्ज कैप का जो एलोकेशन देखने को मिलता है 81.88% का देखने को मिलता है, 81.88%। वहीं मिड कैप में 9.79% और स्मॉल कैप में 7.07%। अब आ जाते हैं दोस्तों SBI स्मॉल कैप पर। देखिए, इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की है वीडियो बनाने की, अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए नई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके, आपको कन्फर्म हो सके कि हाँ यार मुझे जो अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना है वो किस तरह से करना है। चलिए आ जाते हैं SBI स्मॉल कैप फंड पर। अब यहाँ देखते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रखा गया है यहाँ पर 86.36% स्मॉल कैप में रखा गया है, और मिड कैप में रखा गया है 7.2% और यहाँ पर लार्ज कैप में कुछ भी नहीं रखा गया है। तो कुछ ये पोर्टफोलियो अभी सर का बना हुआ है। इस पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन मैंने सर के लिए की थी, इस पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप में जो इनका एलोकेशन है दोनों फंड्स का मिलाकर परसेंटेज में अगर हम देखें तो वो बन रहा है सर का कितना, 82% लार्ज कैप में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 82% बन रहा है लार्ज कैप में, और मिड कैप की बात करूँ 8% बन रहा है मिड कैप में, और स्मॉल कैप की बात करूं 47% बन रहा है स्मॉल कैप में। अभी सर का ये पोर्टफोलियो बन रहा है।
तो क्या आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो बैलेंस है, इसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए, वो समझते हैं। देखिए, लार्ज कैप 82% जा रहा है, स्मॉल कैप 47% जा रहा है और मिड कैप केवल 8% जा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें मिड कैप कैटेगरी के एक फंड को हम ऐड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पोर्टफोलियो हमारा कैसा बनता है। मिड कैप फंड की बात करूं, यहां मैं ऐड करने जा रहा हूं क्वांट मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का काफी बढ़िया फंड है, इसको ऐड करने का ये भी एक रीजन है कि यहां मिड कैप के एलोकेशन को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है और लार्ज कैप हमारा पहले से काफी बड़ा हुआ है, स्मॉल कैप भी हमारे पास काफी है, हमें मेनली मिड कैप को बढ़ाना है। तो क्वांट मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पैसे का एलोकेशन किस किस तरह से दिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ में देखने को मिलता है। चलिए मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, क्वांट मिड कैप फंड काफ़ी बढ़िया फंड है, रिटर्न्स भी मिड कैप कैटेगरी में क्वांट मिड कैप के काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। देखिए मिड कैप में यहाँ एलोकेशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, मिड कैप में रखा गया है 70.57%, लार्ज कैप में 26.37% और स्मॉल कैप में यहाँ कुछ भी नहीं रखा गया। स्मॉल कैप ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी बढ़िया है, तो स्मॉल कैप में और ज़्यादा हमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ जो हमने ऐड किया है ये भी 1000 रुपीज़ पर मंथ किया है। अब हमारे पास टोटल जो SIP का अमाउंट है वो 3000 रुपये महीना का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा यहाँ पर पड़ गया है, कोई बात नहीं, टॉपिक आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। पोर्टफोलियो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो बैलेंस करेंगे तभी हम अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। देखिए ज़्यादा रिटर्न्स नहीं, अच्छे रिटर्न्स लेना ज़रूरी है। चलिए अब देखिए, इसको ऐड करने के बाद, क्वांट मिड कैप को ऐड करने के बाद टोटल SIP का अमाउंट हमारा हो जाएगा 3000 रुपये महीना। 3000 रुपये महीना का जो हमारा हो जाएगा, इसमें जो हमारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन रहेगा वो कितना कितना रहेगा उसको समझते हैं। लार्ज, मिड और स्मॉल, देखिए लार्ज कैप में हमारा एलोकेशन हो जाएगा इस फंड को ऐड करने के बाद 35% टोटल हमारा लार्ज कैप में चला जाएगा, मिड कैप में हमारा चला जाएगा 28% और स्मॉल कैप में हमारा चला जाएगा 31%। तो कुछ ये पोर्टफोलियो आपका निकल के आएगा, लार्ज कैप में एलोकेशन काफ़ी बढ़िया है, पैसा मैक्सिमम सेफ रहेगा, स्मॉल कैप आपके रिटर्न्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा, 31% स्मॉल कैप में जा रहा है और मिड कैप यहाँ रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे और कुछ फंड्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें रिस्क कम रहेगा। तो ये किस तरह से एक पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, स्मॉल कैप 31, मिड 28 और लार्ज कैप में 35%। अगर आप इस पोर्टफोलियो को लेकर चलते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आपको 15% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, 15% के रिटर्न्स, देखिए रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि रिटर्न्स थोड़े से कम ही आपको बताकर चलूँ, हालांकि अगर आप अभी के हिसाब से देखेंगे तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें पास्ट में देखने को मिले भी हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में ज़्यादा भी देखने को मिल जाए, लेकिन 15% के एक औसत रिटर्न में लेकर चल रहा हूँ कि हमें इतने मिल सकते हैं। अगर आप टोटल 3000 रुपये की SIP यहाँ करते हैं, 3000 रुपीज़ पर मंथ की, और आपको 15% का रिटर्न मिलता है और आप 20 इयर्स तक इस टोटल SIP को चलाते हैं तो 45 लाख रुपीज़ तक की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, और अगर आप ड्यूरेशन कम करते हैं तो ये वैल्यू और कम हो सकती है। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था, मेनली पोर्टफोलियो बैलेंस किस तरह से किया जाता है इसको समझाने का, और साथ ही साथ सर का डाउट भी उम्मीद है मुझे पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।